असत्य पर सत्य की जीत। जितवारपुर हाउसिंग मैदान में रावण दहन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना के जितवारपुर हाउसिंग मैदान में दशहरा के दसवीं के दिन शनिवार को रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधियों के अलावा लोगों की भीड़ भी जुटी थी। बताया जाता है कि विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार के अलावा स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कहा जाता है रामचंद्र भगवान जब लंका पर जीत होने के बाद पहुंचे थे तो रावण की पुतले का दहन किया गया था। ये पर्व हर साल चलता आ रहा है। इस मौके पर पूजा कमेटी के अलावा जिला प्रशासन की ओर से मैं मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी, उसका पालन भी किया जा रहा था। लोगों की अपार भीड़ को देखते हुए पूजा कमेटी ने अलग अलग तरह की व्यवस्था किया था। लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आप कार्यक्रम देखने आए हैं, अच्छे से देखें और यहाँ से जो डिस्पर्स आप करें थोड़े शांतिपूर्ण करें ताकि कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। नगर निगम से हमारा अनुरोध होगा जो कि यहाँ के शहरवासी हैं जो आज मेला देखने आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साफ सफाई भी को भी ध्यान रखें, यही अनुरोध हम करते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक सबसे पहले नगर समस्त समस्तीपुर वासियों को हम लोग बधाई देना चाहेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण उत्साह के साथ ये पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आज इस हाउसिंग बोर्ड में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया है। प्रशासन के तरफ से सारे व्यवस्था किए गए हैं, फायर की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, सभी बैरिकेडिंग स्ट्रॉन्ग की गई है, ट्रैफिक का यातायात प्रबंधन किया गया है, किसी पर पब्लिक को किसी प्रकार का असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और हम लोग एक बार समस्त नगरवासियों को इसका शुभकामना देते हैं और शांतिपूर्ण समय पर्व के समापन के लिए सभी लोग का हम लोग सहयोग भी धर के लिए धन्यवाद भी करते हैं। और बैरिकेडी के अंदर दशहरा कमेटी के सदस्य आपके आज जोड़ते हुए हैं, आपसे आग्रह है कि आतिशबाजी शुरू हो गई है, आपसे आग्रह है कि बैरिकेडी में आ जाए। आज विजयादशमी का समारोह संपन्न हो रहा है, लंका दहन का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। बहुत हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया। मानवीय प्रवृत्तियों के दमन का भी एक प्रतीक है और ये शाश्वत सत्य है और आज का कार्यक्रम इसको चर्चा। मैं जिला वासियों को शुभकामना देती हूँ और आज जो जिस तरह से रावण दहन हो रही है हर साल की भांति इस बार भी बहुत ही अच्छे ढंग से और तमाम लोग लगे हुए हैं, सभी जिला वासियों आए हुए हैं देखने के लिए। मैं यही से आग्रह करूँ कि जिस तरह आप लोगों ने शांतिपूर्वक आए हैं उसी तरह रावण दहन के बाद शांतिपूर्वक पूरे परिवार के साथ घर जाने जाए, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ।